साथियों, आज हम बात करेंगे बच्चों के आंतों में होने वाली गांठों की, जिसको कि कहते हैं मेडिकल की भाषा में मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी। अक्सर जब बच्चों को इस तरह की समस्या हो जाती है और गार्जियन अल्ट्रासाउंड करा करके ले आता है और उसमें एक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है कि मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी और मिसेंट्रिक लिम्फेडिनेटाइटिस। इस तरह की समस्या जैसे ही आती है, डॉक्टरों द्वारा ये कहा जाता है कि इसका इलाज नहीं है, ये बहुत खराब चीज़ है। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये टीबी की गांठें हैं। और ख़ास तौर से जब गार्जियन को इस तरह की बातें बताई जाती हैं, सोचिए कि अगर बच्चे को इस तरह की समस्या होगी तो कितना गार्जियन के लिए कितना दुखद स्थिति होगा। लोग परेशान हो जाते हैं और जब एलोपैथी चिकित्सा में उसको भेजा जाता है तो डॉक्टर यही कहता है कि भैया देखो, इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। किसी किसी स्टेज में तो लोग टीबी उबी की दवाएं भी चलाने लगते हैं। आज हम ऐसे ही एक केस की बात करेंगे। ये मेरे सामने बेटी है, इसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि ये जब मेरे पास आती थी तो इसके घर वाले बिल्कुल उठा करके ले आते थे। इसकी दर्द इतनी भयंकर होती थी कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इंजेक्शन लगते थे, दवाएं खिलाई जाती थी, उसका असर दो चार, ये कह लीजिए कि मिनटों तक होता है, 10 मिनट 20 मिनट, कभी कभी वो इंजेक्शन भी नहीं काम करता था। घर वाले बिल्कुल परेशान हो गए थे। थोड़े से गरीबी हालत थी, लोग अपने स्तर से बहुत इलाज कराए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। जब अपनी दवा शुरू की गई, कुछ ही दिनों में आराम मिला और उसके बाद जो है हमें लग रहा है कि 1.5 2 महीने 3 महीने दवा चली होगी। उसके बाद जो है इस बच्ची का जांच कराया गया, जांच में सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई और उसके बाद आज बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, आपके सामने है। बहुत कमज़ोर थी, बिल्कुल दुबली पतली थी, लेकिन आज तंदुरुस्त होकर के देखिए सामने बैठी है। तो इट इज ऑल्सो मिरेकल ऑफ होम्योपैथी। इस होम्योपैथिक चमत्कार को देखिए, आपके सामने इसको लाने की इसलिए आवश्यकता है कि जो भ्रांतियां लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि होम्योपैथी में किसी चीज का इलाज नहीं है, वो आज ये बच्ची समाज के लिए एक मिसाल पेश करेगी कि कैसे जो है इतनी भयंकर चीजों को भी, जो असाध्य चीजें हैं उसको भी कैसे जो है सही किया जा सकता है, और होम्योपैथी से वो भी इतने कम समय में। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल। बेटा तुम्हें परेशानी होती थी तो तुम कैसे महसूस करती थी? बहुत दर्द होता था। अच्छा, और दर्द होता था तो तुम्हें कैसा लगता था कि क्या हो जाएगा? हमको लगता हम चले ही जाएंगे लेकिन अब बेटा कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब तब से बिल्कुल दर्द नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, अब भूख भी लग रही है? हाँ। अच्छा, अब आपको किसी तरह की कोई शिकायत? नहीं। ठीक है, आपका वजन भी लगभग हमें लग रहा है कि 7 8 किलो बढ़ गया है पहले से, है ना? हाँ। अच्छा, देखिए ये इनके मदर फादर हैं। इन लोग भी देखिए, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा फूलमती वर्मा है। मैं यही देवा रोड हिंद सिटी की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी की इतनी कंडीशन खराब थी कि हम दो तीन जगह दिखाए मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हम बहुत ही घबरा गए थे कि ये बच नहीं पाएगी। फिर जब हम यहाँ लेके आए तो इतनी हालत इसकी खराब थी कि ये तुरंत बेहोश हो जा रही थी। फिर मैंने डॉक्टर साहब इलाज किए, फिर 2 दिन के अंदर ही कंट्रोल हो गया। और आज मेरी बेटी बहुत स्वस्थ है और खेलती कूदती है और अच्छे से रहती है। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूँगा। आप ये बताइए और लोगों को क्या कहना चाहेंगी, खास तौर से होम्योपैथी का इलाज और मान लीजिए कि हमारे इलाज के बारे में। हमारा ये कहना है कि होम्योपैथी की इलाज बहुत ही बहुत अच्छी अच्छी। है। एलोपैथी अच्छा, की जो दवाएं कराते थे तो उससे हमको कोई आराम नहीं मिला, पैसा भी बर्बाद हो गया। और जब से यहाँ लेकर आए तो हमको इतनी आराम हुई कि मेरी बेटी इतना स्वस्थ है, हम इतने खुश हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए एक बार आप बजरंगबली को धन्यवाद दीजिए, हाँ। ये सब उन्हीं कृपा हम से। यही कहते हैं कि जिसको कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो डॉक्टर साहब से संपर्क करें। यही चलिए, ये सब हमारी आप लोगों का प्यार शुभकामनाएं। है। ये हैं आपके
बिटिया के पिताजी, भाई साहब आप भी दो बातें बताइए। देखिए चूंकि आप पिता हैं, बड़ी मेहनत से पैसा लाते थे और मैं जितना भी हो सका सीमित संसाधनों में आपका मैंने मतलब कोशिश किया जी, जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम रामेश्वर वर्मा है, मैं लखनऊ का हूँ। सर ये हमारी बिटिया इतनी परेशान थी, हम ड्यूटी करते थे तो हम रोते आते थे देखने, इसको देखने के लिए। जब आपके वहाँ आई बिटिया हमारी, मतलब दो दिन तो परेशान ही रही, मगर इसके बाद जब दवा इसको आपने दिया दो दिन, इसके बाद फिर बिटिया हमारी स्वच्छ हो गई और महीने डेढ़ महीने दो महीने दवा चली, एकदम बिल्कुल फिट हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो हंसती खेलती और बस यही कहती डॉक्टर साहब ने हमको तो बचा लिया। चलिए अब चलिए मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। और देखो बेटा सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि जब आप लोग स्वस्थ हो जाते हो, जब आप लोग कहते हो कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो अपना भी मनोबल बहुत बढ़ता है और ये लगता है कि किसी सही दिशा में हम लोग वर्क कर रहे हैं। और क्या हम अलग जाते तो हम बर्बाद हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि टीबी की दवाई चलाई जाती है, तो ऑपरेशन की बात किया जाता, मतलब तमाम आपको कोलोनोस्कोपी कराओ तो ये कराओ तो वो कराओ, ये मतलब शरीर पीला पड़ गया था जिस हालत में थी, जिस हालत में थी। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आप लोगों का यही जो है मेरे प्रति भरोसा मुझको भी बहुत कॉन्फिडेंट बना देता है। मैं भी अगला जब केस आता है तो इसी उत्साह के साथ करता हूँ कि हमने इससे भी सीरियस मरीज जब ठीक किया है तो इसको भी ठीक करूंगा। अरे डॉक्टर साहब हम तो ये कह रहे थे कि बिटिया तो हमारी बचना नहीं है। सही बात है, सब वो पापा आए थे, सब ऊपर वाले कृपा वाली कृपा, आपके वहाँ अच्छे आ गए, आपके वहाँ बस आप लोग वो करिए। सचमुच में होम्योपैथी को मैं देखिए दर्शकों, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी की गहराई को समझिए और खास तौर से मैं होम्योपैथी के चिकित्सकों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर किसी कारण से अगर आप किसी केस में फेल्योर हो रहे हो तो आप कोशिश करो। होम्योपैथी कहती है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी, इसलिए आप मेहनत करिए। ये समुद्र है, इस समुद्र में डुबकी लगाइए, एक से एक रत्न मिलेंगे, एक से एक ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको ऐसे ही सुखद आनंद का एहसास कराएगी। तो आप होम्योपैथी के प्रति समर्पित रहिए और निश्चित रूप से होम्योपैथी दुनिया के लिए एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, आप लोग ऐसे ही भरोसा बनाए रखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का क्षण ही। चलिए आप लोग जो है ऐसे ही भरोसा बनाए रखिए और सबसे अच्छी चीज है कि अब बेटी ठीक हो गई, ये इससे बड़ा सुखद हमारे लिए कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।